हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का वीडियो एक कंपैरिजन वीडियो है और आज मैं कंपेयर करने वाली हूँ ममार्थ उपजन बॉडी वॉश एंड वाव स्किन साइंस उपजन बॉडी वॉश का। फ्रेंड्स, मैंने ये दोनों बॉडी वॉश यूज़ किए हैं और आज मैं आप लोगों के साथ मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ कि मुझे इन दोनों में क्या डिफरेंस लगा है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही बॉडी वॉश बॉटल पैकेजिंग में आते हैं। ममार्थ का प्राइस है 299 रुपीज़, जिसमें आपको 300 ml क्वांटिटी के साथ 2 ईयर्स की सेल्फ लाइफ मिलती है। वाव का प्राइस है 299 रुपीज़, जिसमें आपको 250 ml क्वांटिटी मिलती है और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स। ये दोनों ही बॉडी वॉश पैराबेन सिलिकन फ्री है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है और सूटेबल है ऑल स्किन टाइप के लिए। चलिए अब मैं आपको ममार्थ का टेक्सचर दिखाती हूँ। सो ये यहाँ से ओपन होता है और इसके अंदर आपको ये बॉडी वॉश मिलता है। ये लाइट येलो कलर का आता है, जेल काइंड ऑफ टेक्सचर है इसका। और इसके अंदर आपको स्मॉल साइज के स्क्रबिंग बीड्स मिलते हैं जो कि स्किन पर बहुत ही ज़्यादा जेंटल रहते हैं और इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। अब मैं आपको वाव का टेक्सचर दिखाती हूँ। सो ये यहाँ से ओपन होता है और इसके अंदर आपको जेल काइंड ऑफ टेक्सचर में ये बॉडी वॉश मिलता है और ये कलरलेस है और फ्रेग्रेंस इसकी भी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कंसिस्टेंसी की बात करें तो वाव की जो कंसिस्टेंसी है वो ममार्थ के कंपैरिजन में थोड़ी सी थिन है। सो आप देख सकते हैं दोनों का टेक्सचर, फ्रेग्रेंस दोनों की ही बहुत ही अच्छी है। मुझे दोनों की फ्रेग्रेंस अच्छी लगती है। ममार्थ एंड वाव दोनों की जो उपटन रेंज की फ्रेग्रेंस है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। ममार्थ के जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है टर्मरिक एंड सैफ्रॉन, बोथ हमारी स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। ये हमारी स्किन की रंगत को निखारते हैं, स्किन को हेल्दी एंड ग्लोइंग बनाते हैं और हमारी बॉडी पर जो टैनिंग होती है उसको रिड्यूस करते हैं। और इसमें ग्लिसरीन है, ग्लिसरीन हमारी स्किन को सॉफ्ट स्मूथ बनाती है, हमारी स्किन को हाइड्रेट रखती है, मॉइस्चराइज रखती है, ड्राई नहीं होने देती है। और इसमें है वॉलनट सेल पाउडर जो कि इसमें स्मॉल साइज के स्क्रबिंग बीड्स है, ये हमारी स्किन को जेंटली एक्सोलिएट करते हैं और स्किन से डेड स्किन सेल्स को, स्किन इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं और स्किन को हेल्दी बनाते हैं, स्किन को कंडीशनिंग करने का काम करते हैं। वाव की जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है बेसन। बेसन हमारी स्किन को एक्सोलिएट करता है, स्किन से डेड स्किन सेल्स को रिमूव करके स्किन को हेल्दी बनाता है। इसमें टर्मरिक सैफ्रॉन है जिसके बेनिफिट्स मैंने अभी आपको बताए। आमंड एक्सट्रेट है जो कि हमारी स्किन को हाइड्रेट रखता है, मॉइस्चराइज रखता है। रोज वाटर हमारी स्किन को ग्लोइंग बनाता है, ग्लो लेके आता है स्किन पर। और सैंडलवुड ऑयल हमारी स्किन को सूथ करता है, काम करता है। तो ये तो थे इनके मेन इंग्रेडिएंट। अभी बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंस की। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि वाव में सिर्फ इतनी क्वांटिटी बची हुई है और ममार्थ की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। इसमें वो फुली यहाँ तक की क्वांटिटी होगी। और ये दोनों जो बॉडी वॉश है ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। इनमें क्या डिफरेंस है? फर्स्ट डिफरेंस ये है कि आप ममार्थ का जो बॉडी वॉश है उसे आप थ्राइस अ वीक मैक्सिमम यूज़ कर सकते हैं। मैं इसे ट्वाइस अ वीक ही यूज़ करती हूँ, थ्राइस भी बहुत कम यूज़ करती हूँ। और ये बॉडी वॉश आप डेली यूज़ कर सकते हैं। इसका रीज़न ये है कि इसमें आपको स्क्रबिंग बीड्स मिलते हैं और स्क्रबिंग चाहे जितनी भी जेंटल तरीके से हो वो हमारी बॉडी के लिए सही नहीं होती है, ज़्यादा स्क्रबिंग अच्छी नहीं होती है। सो आप इसे ट्वाइस अ वीक या मैक्सिमम थ्राइस अ वीक यूज़ करें और वाव का जो बॉडी वॉश है आप उसे डेली यूज़ कर सकते हैं। दोनों ही बॉडी वो आपकी स्किन से टैन को रिमूव करते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कंप्लीटली रिमूव हो जाता है चाहे जितनी भी टैनिंग हो, बट कंटिन्यू यूज करने से वो टैनिंग जो है आपकी बॉडी पर वो रिड्यूस होती है। और दोनों ही बॉडी वो स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सैपल बनाते हैं और ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ड्राई नहीं होने देते हैं। सो मुझे जो डिफरेंस लगा है वो ये है कि एक तो इनको यूज करने का, और जो दूसरा डिफरेंस है वो ये है कि जो टैनिंग रिमूव करने का है वो ममार्थ आपकी स्किन से ज्यादा जल्दी, मतलब ज्यादा जल्दी टैनिंग को रिड्यूस करता है। क्योंकि वाव का जो बॉडी वॉश है, मैंने इसको कम्प्लीटली यूज़ किया हुआ है, यहाँ तक कि क्वांटिटी बची हुई है और मेरी बॉडी पर थोड़ी सी टैनिंग थी, तो मैंने ये नोटिस किया है कि वाव के कंपैरिजन में ममार्थ से जो टैनिंग है वो जल्दी रिड्यूस होती है। बट फ्रेंड्स, ममार्थ आप ट्वाइस अ वीक या मैक्स थ्राइस अ वीक यूज़ कर सकते हैं और इसे आप डेली यूज़ कर सकते हैं। दोनों के ही रिजल्ट मुझे अच्छे लगे हैं, दोनों ही बॉडी वॉश मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। रिजल्ट दोनों के ही अमेजिंग है, दोनों ही स्किन को सॉफ्ट स्मूथ सैपल बनाते हैं और दोनों से ही बॉडी पर ग्लो आता है। सो आप इन बॉडी में वॉश में से किसी को भी परचेज कर सकते हैं, दोनों के ही रिजल्ट आपको पसंद आएंगे। दोनों ही बॉडी वॉश के लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, आप जिसे भी परचेज करना चाहे कर सकते हैं और दोनों को परचेज करना चाहे तो दोनों को भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि बोथ
बहुत ही अच्छे रिजल्ट देते हैं आपको. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो फ्रेंड्स. आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगे. अगर वीडियो हेल्पफुल रहता है तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग मी. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.